रहमतुल्लाह बरकातहू। आज हमारे माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन के एमडी और हमारे चेयरमैन इम्तियाज़ मोहम्मद इम्तियाज़ साहब के साथ हमारी एक मीटिंग थी, नेशनल माइनॉरिटी कमीशन की ओर से एक मीटिंग कंडक्ट की जो माइनॉरिटीज के लिए खास करके क्या क्या स्कीमियाँ तो इम्प्लीमेंटेशन हो रहा और खास करके हमारे जो हम सीएम साहब ने 50 करोड़ दिया वो कैसे अप्लाई करना, उनको कैसे सेलेक्ट कर रहे हैं और क्या प्रोग्राम्स है माइनॉरिटीज के लिए, इस विषय पर खास करके चर्चा चली है। अभी तक तो काम ठीक है और इंशाल्लाह आगे भी ऐसा ही कंटिन्यू रहेगा, ये उम्मीद रखती हूँ। और हमारे चेयरमैन साहब साथ में मीटिंग में चेयरमैन साहब भी थे माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन के और उनका भी बहुत अच्छा आज मैंने व्यू लिया तो उनके तरफ से पूरी अच्छी कोशिश हो रही है, तो ये कोशिश हमारे चले और कम्युनिटी के डेवलपमेंट के लिए जो हमारे सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट का जो भी स्कीम आते जो लोगों तक पहुँचे, ग्रास रूट में पहुँचे, जिसको जैसे हमारे वज़ीर आज़म ने 15 पॉइंट प्रोग्राम है जो खास करके माइनॉरिटी को लेकर बनाया है, तो ऐसे सारे स्कीमें आते सेंट्रल और स्टेट के जो माइनॉरिटी तक के लिए पहुँचे, इसके लिए सब कोशिश कर रहे हैं और हम भी पूरी हमारी ओर से कोशिश। थैंक यू, शुक्रिया। मैडम स्मृति रानी जी से पूछा कमीशन की ओर से, तो एक्चुअली इसको कुछ और रूप में बदलना चाहते हैं, वो कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो उन्होंने हमको ये आंसर दिया कि बंद नहीं होंगी, इसका कोई दूसरा, हम इसको कोई दूसरा रूप देना चाहते हैं, तो मेरे ख्याल से इसको कोई दूसरा अलग प्लान बना रहे हैं माइनॉरिटी स्कॉलरशिप के लिए। अगर 2014 से देखें आप, 2014 के पहले स्टैटिस्टिक देखें तो अभी 8 crore 715.4 CR 2019 तक दिए मोदी साहब, तो ये हमारे हिस्ट्री में, इंडिया की हिस्ट्री में माइनॉरिटी के लिए सबसे ज़्यादा स्कॉलरशिप देने वाली मोदी सरकार है। तो एक्चुअली हमने पूछा है और मौलाना आज़ाद फेलोशिप है उसके भी बारे में हमने पूछा है, तो इसका कुछ और बनाना चाहते हैं, तो ऐसा नहीं है पूरा बंद हो रहा है, ये गलत फहमी है, थोड़ा वेट।